ज्यादा नहीं बोल रही, आप तमीज में बात करो, आप तमीज में बात करो, तमीज में बात करो। मैंने कहा, मैंने बोला आप तमीज में बात करो, ये हद हो रही है, हद हो रही है, हद हो रही है। मेरा सुन, मुझे अपने आदमी पे विश्वास है, वही वही तोड़ रहे हैं, विश्वास तोड़ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, विश्वास तोड़ रहे हैं। सुन, फालतू मत बोल, ऐसा मर गए तेरी सुसरी को दिया गया उखाड़ी रांड। सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ आपकी देसी गर्ल यानी कि सिमरन कौशिक। और गाइस, आज का जो प्रैंक होने वाला है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज का जो प्रैंक होने वाला है वो मेरी मम्मी पे होने वाला है, वो भी कॉल प्रैंक। मतलब आजकल बहुत सारे चल रहे हैं ना कॉल प्रैंक, की मम्मी पे, पापा पे, भाई पे, तो मैंने भी सोचा अपनी मम्मी पे कर देते हैं। अभी मैं अपनी फ्रेंड के घर पर आई हुई हूँ, क्योंकि अपने घर पर तो कर नहीं सकती, वो तो होंगी वहीं पर ही, तो अभी अपने फ्रेंड के घर पर आई हूँ और उन्हें कॉल करूँगी और उन पर कॉल करके तगड़ा सा प्रैंक करते हैं, मज़ा आएगा। ठीक है, तो कॉल मिलाती हूँ मैं भी उन्हें। ठीक है, करते हैं उन्हें कॉल और आज बनाते हैं उनका पागल। बस मेरी आवाज़ पहचान ना जाए, क्योंकि आज का प्रैंक ही कुछ ऐसा है। तो जा रहा है अब उन्हें कॉल और करते हैं। गाना देखो, नमस्ते। नमस्ते आंटी, मैं अंजलि बोल रही हूँ। हाँ बोल। आपने आई थिंक मेरे को पहचाना नहीं होगा। हाँ बोल, तू बोल। एक्चुअली मेरे को ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। एक्चुअली ना मेरे को ना अंकल के बारे में कुछ बात करनी थी आपसे। क्या अंकल की क्या बात करनी तुझे? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, एकदम से शांत हो जाओ पहले थोड़ा सा। हाँ बोल। हाँ तो ना अंकल एक्चुअली मेरे पापा के साथ ना काम करते हैं। अच्छा। पता ही उनका प्रॉपर्टी डीलर का काम है। हाँ बोल। तो वो दोनों ना साथ में काम करते हैं, तो एक्चुअली मेरे को अंकल के बारे में कुछ बात करनी थी। अंकल मतलब क्या बताऊँ, अभी आपको थोड़ा अजीब सा भी लगेगा सुन के। हाँ बोल, अजीब क्या लगेगा, बोल तो। तो मेरे को ये बोलना था कि एक्चुअली ना अंकल थोड़े मतलब अच्छे से नहीं है। तो तेरी माँ छेड़ दी? हाँ। अरे आपको मतलब आपको कैसे पता कि माँ छेड़ दी? नहीं तो बोल रही है ये पे? वही अगर बताओगे तो क्या? आंटी मम्मी एक्चुअली आप बात तो सुन लो, एक्चुअली मैं मतलब अंकल का ना और मेरी मतलब कैसे बताऊँ आपको, अंकल और मेरी मम्मी का ना कुछ सीन चल रहा है। क्या सीन चल रहा है? तेरा बाप ना है आंटी मेरी बात तो सुनो आप एक बार। ना बता रही हूँ, तेरा वही धरूंगी। आके आप एक, बोल ले। आप तो पहले आप तमीज में बात करो। तमीज ना, तुझे तमीज, तेरी माँ को तुझे वही सिखा दूंगी तमीज। आके एक तो गलती आपके मतलब आपके हस्बैंड की है। मेरे हस्बैंड की तो क्या क्या ना, तुमने क्या देख लिया? वो मेरे देख लिया था ने? वो हमारे घर आते हैं और मम्मी को, हाँ काम से घर आते हैं, मम्मी को गलत नजरों से तक देखते हैं। गलत नजरों से क्यों देखेंगे? तेरी माँ में भी कुछ कमी होगी? मेरी मम्मी पे कुछ कमी नहीं है, आपके हस्बैंड में कमी है। मेरा आदमी वो सही है। एक तो आप पहले तमीज में बात करो, आप तमीज में बात करो, आप तमीज में बात करो, आपको समझ नहीं आ रहा? एक बार अच्छा फाड़ दोगे? अच्छा फाड़ दूंगी आंटी, तमीज में बात करो, मेरी मम्मी है वो। आपके आपके हस्बैंड को तमीज नहीं है? आपके हस्बैंड को तमीज नहीं है कि वो कैसे कर रहे हैं? उन्हें शर्म नहीं आती? उन्हें शर्म नहीं आती? मेरा आदमी सही है। कम बोल, कम बोल, वही कभी तुझे बताऊं? कम बोल, अभी तुझे वही बोल बता दूंगी। क्या बोल रही है तू? मैं कमी बोल रही हूँ? आपके आपके हस्बैंड को बिल्कुल भी अकल नहीं है, मेरी मम्मी को आके छेड़ते हैं। एक बार देखा मेरी मम्मी मतलब कुछ कर रही थी, किचन में घुस गए हमारे पीछे से। तेरी मम्मी कुछ, तेरी मम्मी का क्या, कोई उर्दी पर है तेरी मम्मी?
हूर की परी है जब भी छेड़ रहे हैं। ऐश्वर्या राय ही है जब भी छेड़ रहे हैं। तमीज में बात करो आप, वो मेरी मम्मी है। तमीज में बात करो, आपको तमीज नहीं है? एक तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपके मतलब आपके हस्बैंड को बिल्कुल भी अकल नहीं है, आपके हस्बैंड को बिल्कुल भी अकल नहीं है। मतलब उन्हें शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े हो गए। मतलब उनकी दो दो बेटियां हैं, उनकी दो दो बेटियां और एक बेटा है छोटा सा, उसके बाद भी अगर उनके ऐसे कर्म है ना तो पता नहीं क्या ही होगा। ज्यादा नहीं बोल रही, आप तमीज में बात करो, आप तमीज में बात करो, तमीज में बात करो। मैंने कहा, मैंने बोला आप तमीज में बात करो, ये हद हो रही है, हद हो रही है, हद हो रही है। मेरा सुन, मुझे अपने आदमी पे विश्वास है, मेरा वही तोड़ रहे हैं, विश्वास तोड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, विश्वास तोड़ रहे हैं। सुन, फालतू मत बोल। ऐसा मर भी तेरी सुसरी को दिया गया उखाड़ी रांड। आऊं अभी, हाथ में रह ले, मैं तेरे भीतर में पड़ के बोल लूंगी, बता रही हूँ। टिक जा तू। आंटी देखो, माँ की दी टिक जा। आंटी देखो, तमीज में बात करो, आपको आपको तमीज नहीं है बिल्कुल भी बात करने की। आप बोल कैसे रहे हो? सबसे पहले तो मुझे ये बात बताओ, बोल कैसे रहे हो? तमीज नहीं है आपको बिल्कुल भी, ऐसे बात करते हैं? आपकी खुद की भी बेटी है, आपकी खुद की भी बेटी है, और वो मेरी और वो मेरी मम्मी है। जब भी मैं कुछ बोल रही हूँ एज एक लड़की बोल रही हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म तो मैं तेरे वही काट दूंगी जब तेरे भीतर में तेरी मां रांड कर, तेरे भीतर में पड़ के बोल लूंगी ना, तेरे वही काट दूंगी शर्म। आंटी तमीज में बात करो, आपको बार बार एक ही बात बोल रही हूं। अंकल को शर्म नहीं आती? पीछे से हमारे घर कितनी बार आते हैं, रात को भी एक बार जब पापा घर पे नहीं थे, रात को भी जब एक बार पापा घर पे नहीं थे, जब भी आए थे। सुन, फालतू ना बोल, तेरी मां रांड ना है, तेरी भाभी रंडी वा गु खानी रांड है, वो गु खाती फिरे, मुंह मारती फिरे। ये ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, वो मेरी मम्मी, ये ज्यादा हो रहा है। आप तमीज में बात करो सबसे पहले तो, और अंकल को सिखाओ तमीज। रात को हमारे घर पे आते हैं कभी कहीं कभी कहीं, उन्हें शर्म नहीं आती? काम है तो काम एक दो बार होता है, ऑफिस में भी तो मिल सकते हैं ना पापा से, फिर भी घर पे आते हैं हमारे। मेरा आदमी कहीं नहीं जाता, मैं अपने घर में ही रहता। फालतू ना बोल, निठल्ले है ना जब भी घर पे रहते हैं। निठल्ले तेरा बाप होगा और तेरी मां रांड होगी, तो अपने करे करे और खावे। हाँ पर देख लिया कितना करते हैं। हाथ देखो, ये पीछे से ये ऐसे आते हैं, दूसरों की औरतों को छेड़ते हैं। पता नहीं अभी अभी मेरी मम्मी को छेड़ रहे हैं, पता नहीं पीछे से कितनी होंगी, अलग अलग नाम थी। हाँ हाँ, तुम बड़ा पता है, तुम भी ऐसी हो, मुझे लग रहा है ना आप भी ऐसी हो, आपका भी चल रहा होगा। आपका भी मैं बता रही हूँ, आपका भी यही है, आपका ये जब भी आप इतना बोल रही हो। देखो मैं तो अपने अपनी बातें ज्यादा क्लियर भी नहीं कर रही, मैं तो अपनी बातें ज्यादा क्लियर भी नहीं कर रही, आप ही बोलती हो। तेरा बाप छेड़ दिया के? अच्छा अंकल, अंकल मीठे भी है अब? मीठे क्या, तेरा ऐसा मारूंगी तेरी भाभी लंडी का भीतर ना फाड़ दूंगी। बस आंटी तमीज में बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। अपनी शौक ना वही फाड़ूंगी आके, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा ना। और हिम्मत है तो यहीं अपनी मां रांड ने लेकर रखो जा। मैं क्यों आऊं? मैं क्यों आऊं? आजा मेरी भाभी, आजा। मैं अच्छा, मैं आपकी भाभी भी हूँ अब। तमीज में बात करो, आपको बिल्कुल भी ना तमीज नहीं है। पहली बात तो क्यों आऊं मैं, आप लेकर आओ ना अंकल को। अंकल को वैसे भी शौक भी है हमारे घर आने का, हमारे घर आने का शौक भी है। मेरी मम्मी के हाथ की चाय पीने का भी बहुत शौक है, इन्हें ले आओ। हाँ आपको बड़ा आता है, आप भी ऐसी हो। चल रहा होगा साथ वाले शर्मा वर्मा से किसी से, हाँ शर्मा वर्मा से चल रहा होगा तुम्हारा भी चक्कर, तुम भी ऐसी हो, मुंह मारती फिरती होगी। ओहो बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है, ज्यादा ना हो रहा, ज्यादा हो रहा है। फोन रख, अरे हिम्मत है तो सामना बताओ, तेरी मां रांड ने लड़ते ने। अच्छा फोन पे मत भोके। अच्छा जी हिम्मत है तो तेरी मां मर तेरे में तो मेरे सामना। अच्छा सामने सामने अगर सामने आ जाऊंगी तो क्या कर लोगी?
उस तेरे उसे भीतर पड़ के बोलूंगी, आ तो जा। अच्छा घुस भी जाते अंदर? आ तो जा तू एक बारी, आ जा अपनी मारांडे ने भी लिए। आ तो जाऊंगी मैं ना, ये मतलब कितना टाइम रहेगा आपको क्या लग रहा है? मैं सोचूं 5-10 मिनट में ही आ जाऊंगी मैं तो। तो आ जा, आ तो जा पक्का। ए आ जा, आ जा गुखानी रांड, आ जा आ जा। ये ज्यादा हो रहा है। ए आ जा। अच्छा एक बात बताओ। बता तो मैं तुझे सामने ही बताऊंगी, अभी थोड़ी देर में बताते। आ जा आ जा, तू मेरे घर आ जा एक बारी। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, बस एक बात। मैं ननु कह रही तू मेरे सामने आ जा, जो तुझे अभी बताऊं। हाँ अभी अभी बताओ, अभी 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 आऊंगी मैं आपके सामने, अभी आऊंगी आपके सामने। तो आ तो जा, आ जा। नहीं वो क्या नाम है, साफ सुथरी आ जा, तेरी माँ भी साफ सुथरी है। अरे मम्मी ए आ जा, आपने सुना भी नहीं मैंने क्या बोला, मैं आपको मम्मी बना रही हूँ अपनी। मम्मी बना रही है? हाँ जब अंकल उसका रिश्ता हो गया, आप मेरी सौतेली माँ जैसी हो। अच्छा सौतेली, तो आज मैं तुझे सगी भी ना बनाऊं, सौतेली की तो बात दूर गई। आ जा तू, आ जा तू, तो तेरे सुन अपनी तेरी तेरी माँ ने बदरे बना रखे हैं। ओ भाई तेरी माँ ने बदरे बना रखे हैं। अबे यार उनके उनके बेटे बन जा तू, उनकी बेटी बन जा। नहीं मैं तो आपकी बनूंगी भाई। ए सुन मेरा क्या नाम है, मेरे पति तो से क्या नाम है पैसे के लिए नहीं थे, नहीं है सुन बोलो। ऐसा है क्या नाम है, जब तू मेरे से इज्जत से बात करेगी तो मैं भी करूंगी। अच्छा बदतमीज से बोलेगी ना, और तो था रहे ना। अच्छा बस बस ठीक है, शांति मम्मी। क्या मम्मी कह रही है, मेरी भाभी आ जा तू, मम्मी मेरी ससुरी आ जा। मेरे को तो समझ में ये नहीं आ रहा, सुनो मेरी बात सुनो। आपको पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपने बच्चों की आवाज नहीं पहचान सकती। हमें बच्चों की आवाज, मेरी आवाज नहीं समझ में आई आपको? ए बदमाश तू, आ जा तेरा मेरा दिमाग खराब कर दिया आपको। मेरी आपको मम्मी आ रहा है, आप मतलब मेरी आवाज नहीं पहचान पाई, तो क्या करोगी यार? यार कैसी हो मम्मी आप? सही नहीं बनाया। अरे मैं भी आई हूँ अंजलि के घर पे, उसके उसके फोन से फोन करा आपको, और आपको चूतिया भी बन गया है, इतनी गाली। नहीं नहीं मम्मी माना नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ अभी, आ रही हूँ ठीक है जाओ। ठीक है जाओ चलो। तो गाइस आपने देखा भाई कितना गुस्सा, मतलब गाली गलौज। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा गलत लगाओ तो सो सॉरी उसके लिए, ये थोड़ा बस मम्मी को गुस्सा आ गया था। नॉर्मल सी बात है, ऐसा कोई भी किसी के हस्बैंड के बारे में बोलेगा तो सब गुस्सा ही करेंगे, तो किसी बात का बुरा मत मानना। सो सॉरी अगर कुछ भी बुरा लगा हो आपको, और स्पेशली जैसे हम भी अपने घर में ही हैं तो आप लोग भी अपने घर पे रहो और सेफ रहो, जितना हो सके घर पे ही रहो यार, बाहर बाहर मत निकलो, मास्क वगैरह लगा के निकलो, स्पेशली कोई वैलिड रीज़न हो जब जाके ही निकलना बाहर। और प्रैंक तो आपने रिएक्शन तो देख लिए, मेरी मम्मी कैसी है, कितनी गाली देती है और कितना जहर था। तो फिर जल्दी से जाके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि क्या था, क्या सीन था, माँ बेटी की कैसी जोड़ी हमारी। और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, यानी कि यो देसी गर्ल, बाय बाय।